तो देखिए, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई, ठाणे, पुणे समेत कई जिले बारिश के पानी से हलकान हैं। सड़कें दरिया बन गई है, तो घरों में भी पानी ने कोहराम मचा दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई में बारिश से मचा हाहाकार, थम गई माया नगरी की रफ्तार। दरिया बनी सड़कें, रेल पटरियों पर सैलाब। ये माया नगरी है जहां जाते जाते सितंबर का सितम देखने को मिल रहा है, जहां आसमान से बरसती आफत ने कोहराम मचाया हुआ है। बुधवार शाम से हो रही बारिश से मुंबई हलकान है। कुर्ला, नेहरू नगर, चूना भट्टी, चेंबूर, घाटकोपर, हर तरफ पानी से हाहाकार मचा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और पुणे में आफत की बारिश हो रही है। ये मुंबई का चेंबूर इलाका है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि कमर से ऊपर तक पूरे इलाके में पानी भर गया और लोग उसी पानी से होकर जाने को मजबूर दिखाई दिए। बारिश से सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके में त्राहिमाम मचा है तो वो घाटकोपर, जहां एक तरफ सड़क पर घुटने तक पानी भरा था तो दूसरी तरफ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के अंदर अलग ही नजारा था। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन के इंतजार में वैसे तो हर रोज लोगों की भीड़ होती है, लेकिन बारिश होने पर घाटकोपर रेलवे स्टेशन सैकड़ों लोगों से पटा नजर आया। सीढ़ी से लेकर प्लेटफॉर्म तक लोगों का सैलाब नजर आया। वहीं दूसरी तरफ चूना भट्टी रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक डूब गया, जिसके चलते ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा और लोग उसी ट्रैक से होकर गुजरते मजबूर दिखाई दिए। नेहरू नगर और कुर्ला ईस्ट में भी बारिश का सितम देखने को मिला। आसमानी कहर ऐसा कि निचले इलाके दरिया बन गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और नतीजा पानी ने घरों के अंदर घुसपैठ कर दी। इंद्रदेव का गुस्सा सिर्फ मुंबई पर ही नहीं दिखा, आर्थिक राजधानी से सटे ठाणे पर भी असर हुआ। जहां भिवंडी में सड़कें दरिया बनी तो कार और बाइक को डूबते वक्त नहीं लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मुंबई में हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है वो घर पर ही रहें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच पीएमसी कमिश्नर लगातार कंट्रोल रूम में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उधर खराब मौसम को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया, वहीं 7 फ्लाइट को वापस लौटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। आज पुणे का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर आपको बता दें शिवाजी नगर से स्वार गेट तक मेट्रो को दिखाएंगे। आपको बता दें नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन के समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज पुणे दौरे पर रहेंगे मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शिवाजी नगर से स्वार गेट मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन समारोह का भी आयोजन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, पुणे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन समारोह में वो शिरकत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें शिवाजी नगर से स्वार मेट्रो को भी दिखाएंगे हरी झंडी। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, और बेहद खास ये सत्र रहने वाला। कहा जा रहा है कि दोनों दिन हंगामेदार हो सकते हैं। आतिशी सरकार के गठन के बाद ये सत्र बुलाया गया है। तो देखिए, विशेष सत्र 2 दिन का दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया और आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। आज और कल 2 दिन का यह सत्र होगा। विधानसभा सत्र में हंगामेदार होने के आसार है। आतिशी सरकार के गठन के बाद ये विधानसभा सत्र बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि जोरदार हंगामा इस सत्र में
में हो सकता है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यह सत्र बुलाया गया, दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों दिन हंगामा हो सकता है दिल्ली विधानसभा में। तो दो दिन का विशेष सत्र आज से दिल्ली विधानसभा के लिए आज से शुरू हो रहा है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो अक्सर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन इस तरह के बयान देते हैं कि उन्हीं की पार्टी के एजेंडे के खिलाफ हो जाता है, चाहे बात विदेशी धरती पर भारत के अपमान की बात हो या फिर देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना हो, ये तमाम बयान उनकी ही पार्टी के लिए फजीहत साबित होते हैं। और इस बार उन्होंने कश्मीर में ही कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी से जोड़ दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी मतलब विवादों के बेताज बादशाह, जब बोलते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि सियासी बवंडर खड़ा हो ही जाता है। राहुल गांधी को यूं ही नहीं बालक बुद्धि कहा जाता है। अब राहुल बाबा ने ऐसा क्या बवाल कर दिया जो उनका बालक बुद्धि वाला तमगा फिर से चमकने लगा और कैसे उनका झूठ पकड़ा गया है, पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए बताएंगे। पहले सुन लीजिए मामला क्या है। ये मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं। इसराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। पीओके से रेफ्यूजीज आए, सॉरी कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। कश्मीर में चुनाव है तो वहाँ राहुल ने जो पार्टी की थूथू कराई है वो आपको अच्छे से सुनाए। उससे पहले जान लीजिए कि देश में मेक इन इंडिया अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं, यानी मोदी की आत्मनिर्भरता की मुहिम भारत को आगे ले जा रही है। लेकिन राहुल इसमें भी देश को बदनाम करने से नहीं चूके। मगर राहुल बाबा ये करने से पहले ये आंकड़े देख लो, जो मोदी सरकार के मुताबिक कुछ यूं है कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत 10 सालों में हर घंटे भारत में एक नया स्टार्टअप खुला है। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 थी जो अब बढ़कर करीब 1.5 लाख हो चुकी है। 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां इस अभियान के तहत पैदा हुई हैं। देश का आयात 74% और निर्यात करीब 150% तक बढ़ चुका है। निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और व्यापार घाटा 80% कम होकर सिर्फ 9% बचा है। और यह सब हो पाया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उछाल आया है।